बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। बढ़ते हैं एक और वॉइस मैसेज की जानब। ये तो तस्वीर कोई भैंस के थनों की है और देखते हैं कि ये डीजी खां भैंस अथू। अच्छा, ये पुराना है इनका। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मेरी ये गाय है, इसको बुखार हो गया। हाँ जी, तो आपने जो इंजेक्शन बताए थे कीटोपी और दूसरा एक ऑक्सी बताया टेट्रासाइक्लिन, क्या नाम है आपने, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन नवासीन बताया एले। था, वो भी वो दोनों इंजेक्शन मैं इसको लगा रहा हूँ। अच्छा, तो ये अभी रिकवर तो हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसका थनों का प्रॉब्लम हो गया। ओहो, अच्छा। तो पिक्चर मैंने आपको सेंड किया है, ऐसे हो रहे हैं, उसके ऊपर से जो खाल जैसे निकलती है हाँ निकल रही हाँ है। दूसरा जो है इसका थाइड थन से सुराख हो गया है, यानी ओहो, जब दूध निकालते हैं तो नीचे से जो जेन्युइन सुराख होता है उससे निकलता है, दूसरा साइड से सुराख हो गया है एक थन को। ओहो, इसके लिए सर कुछ इलाज हो तो बता देते हैं। वो तो जो इंजेक्शन मैंने लगाए हैं सर, आपने बताए हुए हैं एक वीडियो में, मैंने वो हाँ, चेक किया है, कीटोपी और कीटोपी और ऑक्सी दूसरा टेट्रास ऑक्सी टेट्रासिन, साइक्लिन वो नवासीन मैं लगा एल रहा ए, हूँ, लेकिन उससे रिकवर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। उसका और दूसरी तीन की स्प्रे जो है वो उसके हाँ, मुंह में लगा रहा हूँ, वेरी गुड उससे तो सही हो रही है। अभी घास भी खाती है और वेरी गुड जो इसको डालता हूँ वो खा जाती है, वेरी गुड वेरी तो गुड अल्हम्दुलिल्लाह अभी बुखार भी कमती हो रहा है उसका। इंशाल्लाह। तो लेकिन अभी यही प्रॉब्लम है सर, अभी ये अभी आज से किया है तकरीबन, इसको 6-7 दिन हो गए। मैं इंजेक्शन भी लगा रहा था और थोड़ा पहले इसने खाना कम भी खाया था, अभी सही खा रही है, लेकिन वेरी अभी गुड इसका थनों वेरी को गुड। अभी प्रॉब्लम हुआ है आज से सर। मेरी जान, फिक्र ही ना करें, देखें अल्लाह ताला ने जब मुंह खुर से इतनी ज़्यादा बेहतरीन इंशाल्लाह ताला उसने दवाइयाँ मेरी उन्हें उनने असर किया है, बुखार भी उतर गया, खाना पीना भी शुरू कर दिया, और बुखार अभी कंप्लीट उतरेगा और 3 से 5 दिन पूरे लगाने हैं और ये बिल्कुल सही हो जाएगी। अलबत्ता मुझे ये थनों के ऊपर जो आप बता रहे हैं सुराख और दूसरा, इस पे आप भले इस वक्त तो वक्ती तौर पे तो आपको मिल जाएगा टेंचर या पायोडीन, वो थोड़ा सा रुई पे लगा के इसको ज़रा लगाएं, बिस्मिल्लाह करके वो लगाएं, थोड़ा सी उसको लगेगा और हो सकता है कि थोड़ा रिएक्ट करे, लेकिन फिक्र नहीं करना, अल्लाह फजल करेगा, या फिर रहने दें उसको ना लगाएं। अभी फिलहाल आप अगर टाइम है, इस वक्त मगरब भी नहीं हुई, अजान हुई होने वाली है तो 6 बजने वाले हैं, लेकिन मेरी जान आप इस तरह करें, फौरन जाए एरोडेक्स एन की क्रीम मिल जाएगी, एरोडेक्स एन या कैनाडेक्स एन, ये ले आए क्रीम, ये क्रीम लगाएं सुबह दोपहर शाम, इसके ऊपर क्रीम लगाएं, अल्लाह फजल करेगा, और टेंशन ना लगाना, वो फिर इसको काटेगा तो वो जंप लगाएगी और उसको अच्छा नहीं लगेगा। कि अगर कोई और जगह पे होता हल्का फुल्का जख्म या इस तरह की चीज़ होती तो मैं वो टेंशन लगवाता, ये चूंकि थन बड़ा सेंसिटिव चीज़ है, इस पे एरोडेक्स एन वो लगाएं बिस्मिल्लाह करके, ठीक है, अल्लाह फजल करेगा। और अगर वो नहीं है, फर्ज करें, अगर कोशिश करें जाके ले आए, अगर नहीं है तो फिर आप अभी फिलहाल तो मैं बेशक इस पे थोड़ा सा पॉलीफेक्स वो लगा दें, पॉलीफेक्स लगाएं और इतने में जाके आप एरोडेक्स ले आए, वो ज़्यादा बेहतर है, एरोडेक्स एन या कैनाडेक्स एन, ठीक है मेरी जान। और जो प्रोग्राम मेरा देख रहे हैं इंडिया में, वहाँ एरोडेक्स एन या कैनाडेक्स एन नहीं, वहाँ होती है मीराडेक्स, मीराडेक्स है, और ये थनों पे जितने भी इस तरह सुराख या कोई थोड़े से जख्म स्क्रैचेस इस तरह की दाने हो तो एरोडेक्स एन या कैनाडेक्स एन वो लगाते हैं, और वो जारी रखें मेरी जान, वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और दूसरा मैंने आपको कीटो पी का बताया हुआ है, और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और मुझे फीडबैक ज़रूर देते रहना है, और फिर देखूंगा अल्लाह ताला फजल करेगा और भी आपको बताऊंगा, ठीक है। पूरे डीजी खान को सलाम और दुआओं में याद रखें, फी मान्ला। अल्लाहु अकबर कबीर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला